दोस्तों वैसे तो मॉनसून सीजन में दूध सागर वाटरफॉल को एक्सेस करना मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ के जो सारे ट्रैकिंग है वो मॉनसून सीजन में बंद हो जाते हैं, लेकिन हमें जबरदस्त तरीके से इच्छा थी कि दूध सागर वाटरफॉल को देखा जाए। तो कैसे, तो आप दूध सागर वाटरफॉल को मॉनसून के पीक सीजन में देख सकते हो वाया ट्रेन, और वो कैसे आज की कंप्लीट स्टोरी में हम जानते हैं। तो दोस्तों अभी बहुत खतरनाक ग्लिच हो गया है, अभी जो मड़गांव लोकेशन है वो बता रहा है 344 और हम 340 को तो हमारी ट्रेन निकल जाएगी वहां से। तो अभी दूध सागर तो पहुंचना है और वो दूध सागर की जो गोवा एक्सप्रेस है उसको हम मड़गांव की जगह पे अभी हम सोच रहे हैं कि सर्वेंद्रम चर्च करके जो लोकेशन है वहां से हम करें सीधा जाने का। तो अभी ये चर्च पे आएगी वो ट्रेन, कितने बजे आने वाली है अमरदीप? 340 को यहाँ पे आएगी। ओके, तो 340 को तो यहाँ पे आएगी, तो अपन अभी 313 हुए हैं तो आराम से यहाँ पे पहुंच चुक सकते हैं। तो अभी ये वाला जो चीज है वो अभी हमें करना पड़ेगा, तो वो डैम को कवर करने में इतना ही हो गया। ओके, यहाँ पे आ गई है अपना प्लेटफॉर्म 2 है ना, मतलब यहाँ पे तो बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं और हैंड ओवर देते हैं अमरदीप को। तो हम यहाँ पे ड्यूअल व्लॉग होंगे, कहीं कहीं पे हम आपको दिखाएंगे कि अमरदीप क्या एक्सप्लोर कर रहा है, अमरदीप क्या देख रहा है, और कहीं कहीं पे बताएंगे कि मैं क्या देख रहा हूँ और हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ड्यूअल व्लॉग के अंदर आपका जबरदस्त वाला स्वागत है। तो दोस्तों अभी हमारी जो ट्रेन है गोवा एक्सप्रेस वो आ गई है लोकेशन पे, और आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसका जो एक्सक्लूसिव व्यू ऑफ गोवा एक्सप्रेस जो है वो आप देख सकते हो। मिलते हैं अपने कैसल रॉक। ओके, तो अभी अमरदीप को हमने गाइड कर दिया है और वो गाड़ी लेके, और अभी हम जो है वो बोर्ड कर दिया है कि अभी हम रहेंगे ट्रेन में एंड अभी हम जाएंगे एक्सप्लोर करने टू गुड व्हाट्सएप को। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कैसा घना जंगल है ये वे ऑफ कैसल रॉक। निशान ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन और मैं जा रहा हूँ बाय कार। कैप्चर्ड व्यूज यहाँ पीछे एक चेक पोस्ट भी मिलेगा आपको जो कर्नाटका और गोवा की बॉर्डर पे है।
साइड से पूरा वेदर जो देख सकते हो आप लोग। आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं, लेकिन ये फॉग की वजह से तो सामने का दिखने का मुश्किल हो गया है, इतना फॉग है यहाँ पे। ये कार चालू है और ये फॉग, ऊपर से बारिश। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कुलेम स्टेशन और अभी यहाँ से दूध सागर की भी करनी है। वो इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि यहाँ से हम ये जो गोवा के जंगल है उसके अंदर से जाते हैं। ये पूरा लोकेशन आप देखो, इतना प्यारा लोकेशन है, जबरदस्त वाला लोकेशन है भाई। ये इस तरीके के रेलवे स्टेशन देखो, कितने मतलब प्यारे रेलवे स्टेशन है। बहुत ही ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ नो रेलवे स्टेशन जो है वो हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। और दोस्तों जितना एक्साइटमेंट ये पूरी ट्रेन में सारे लोगों में है दूधसागर वाटरफॉल को देखने के लिए, वो एक अनबिलीवेबल है। लोगों ने लाइक दो दो ट्रेनें चेंज करी है टू सी दिस मैसिव दूधसागर वाटरफॉल। तो देखते हैं कैसा नज़ारा रहता है इस अमेजिंग से वाटरफॉल का। खतरनाक एक्साइटमेंट है यार, खतरनाक एक्साइटमेंट है। दोस्तों होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड योर ब्रीथ। अभी आपको दिखेगा दूध सागर का एक अमेजिंग सा नज़ारा। क्या अमेजिंग वेदर है देखो गाइस। ये अपन कर्नाटका का जो फर्स्ट कास्ट था वो ख़त्म करके हम लोग अभी घाट उतर रहे हैं टूवर्ड्स कैसल रॉक। तो आप लोग वेदर देखो, वेदर एंजॉय करो। फाइनली हम लोग कैसल रॉक पहुंच गए हैं, देखते हैं अभी निशान पहुंचे हैं कि नहीं। लेट्स सी, अभी 500 मीटर्स और बाकी है लगे कैसल रॉक स्टेशन पहुंच चुके हैं। कैसल रॉक
कैसल रॉक स्टेशन पे पहुंचे जहाँ पे अमरदीप आएगा। आई होप आप अमरदीप के रिसोर्ट्स एंजॉय कर रहे होंगे। हम ड्यूअल जर्नी जो है वो कर रहे हैं और आपको दूध सागर वाटरफॉल कैसा लगा आप प्लीज मुझे बताना, बहुत जबरदस्त वाला बहुत। एंड वी आर हियर एट कैसल रॉक, कैसल रॉक स्टेशन और हमने ले लिया है समोसा वड़ा पाव। इस जबरदस्त वेदर में हम ये समोसा और वड़ा पाव मस्त तरीके से खाएंगे। और गोवा एक्सप्रेस वाज अमेजिंग, बहुत ही खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम दोनों यार फिर से मिल चुके हैं एंड जबरदस्त फन यार, जबरदस्त फन। अभी यहाँ पे नजदीक में कहीं रुकते तो देखते हैं यार, जबरदस्त चीजें है। एक वज्र वाटरफॉल करके मैंने चीज देखी वो भी है। चल यूटर्न ले ले अपने आगे से ले ले यार, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा व्लॉग खतरनाक लग रहा होगा। और अभी तो अमरदीप का रिएक्शन भी देखने का है कि उसको वो दूध सागर देख के कैसा लगता है। पर यार जबरदस्त यार, क्या बारिश हो रही है यार, बारिश बहुत भयंकर है। दोस्तों एग्जैक्टली आई थिंक 3-3.5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और वो राइड मैंने रिग्रेट करी थी क्योंकि इतना खतरनाक खराब रास्ता था, इतना खतरनाक खराब रास्ता था। वो रास्ता आज अभी इतना जबरदस्त वाला हो गया है। यहाँ पे रेडियम वाइट गॉड इतना मस्त हो गया है। मतलब एटलीस्ट जो लौंडा करके जो जंक्शन है वहाँ तक का जो रास्ता है ना वो तो बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद वो दूध सागर और वो वाला रास्ता थोड़ा और खराब है, दूध सागर तक खराब है। फिर उसके बाद अमरदीप आया तो अमरदीप को पता होगा कि कैसा रास्ता, बट उसके बाद उसने जिस तरीके से मुझे बताया है उस तरीके से उसके बाद का भी रास्ता उसको प्रॉब्लमेटिक, तो रास्ता तो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा उसको। बट या जबरदस्त वाले घाट जो है वो आते, जबरदस्त घाट सेक्शन जो है वो आते। वेदर वॉज इनसेन भाई। तो मतलब लाइक अगर आपको गोवा का एक और रूट अगर ये एक्सप्लोर करना हो तो आप ये बेलगावी टू पणजी वाला जो हाईवे है वो ले सकते हो। और इस का नंबर है NH 748। सो ये NH 748 वाला जो हाईवे है वो आप ले सकते हो। खतरनाक मतलब लाइक बहुत ही जबरदस्त इम्प्रूव्ड रोड जो है वो यहाँ पे बन गया है। आई होप तारीफ का प्रॉब्लम ना हो जाए रोड में, बट अभी तक तो अच्छा है। दोस्तों सॉरी यार मेरे से भूल हो गई, रास्ता अच्छा नहीं हुआ है भाई। बीच बीच में तो खराब पैच आ रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। मतलब लाइक यहाँ जहाँ पे भी ये ऐसे ब्रिज का काम वो चल रहा है ऐसा है, उस साइड पे रोड खराब है अभी भी। सो मैं तो बोलता हूँ अवॉइड ही करना, लेकिन अगर आपको दूध सागर और ऐसे आना है तो आप आ सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड सेफ है। लेकिन बस वही चीज़ है कि थोड़ा पैचिस जो है थोड़े वो थोड़े ख़राब है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तपन को अच्छे से याद आ रहा होगा ये वाले रोड पे हम आए थे, बहुत खराब वाला रोड था उस टाइम पे, तो क्योंकि मिट्टी सब उड़ रहा था उस टाइम पे। बट अभी थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी ये खड्डे और ये सब जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो अभी भी है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट यू, फिर आप मेरे को ना बोलो कि भाई आपने तो बोला था रास्ता अच्छा है लेकिन रास्ता फिर खराब निकला, इस तरीके से ना बोलो। अभी हमारा प्लान ये है कि जितना कवर हो सके उतना कवर कर देते हैं। दोस्तों आई नो इतना जबरदस्त नहीं लग रहा होगा शॉट क्योंकि अंधेरे में लिया हुआ है, क्योंकि क्या जबरदस्त है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं होटल नियाज में, और ये है होटल नियाज सिटीज मोस्ट ऑथेंटिक ओरिएंटल किचन। सो ये है अभी हम बेलगाम मिला। हेलो कर दो। अभी यहाँ का फूड चेक करके बताते आपको कैसा लगता है। अभी हम बहुत जर्नी करके आए गोवा से। तो दोस्तों अभी बहुत खतरनाक फूड लग गया। सबसे पहले हमने मंगवाया है ये मंचाओ सूप जो आप देख सकते हो,
अभी आपको रिव्यू बताते हैं कैसा लगता है। बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत ही मस्त है। बारिश वाले मॉनसून में तो दिस इज मस्त। क्या बोलते हैं मंत्री? बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? ऑल गुड। स्पाइसी भी है। स्पाइसी और बहुत टेस्टी है। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैद है। वेद। जैद। 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 ओके ओके ओके। थैंक यू जैद। क्या अब कहाँ चले? मुंबई टू गोवा? अरे अगेन गोवा?